हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती क्लासेस में। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, जो कि करंट अफेयर्स में आता है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कोई कोई की मतलब वो गांव से बिलोंग करते हैं और उनके पास कोई साधन नहीं रहता ऐसे अच्छे मटेरियल लेने के लिए। तो साथियों, आप उनके पास ये शेयर करके वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा और जितना हो सके उतना शेयर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हम समझ पाते हैं कि आप मेरा लेक्चर समझते हैं और इसको अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगा, आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्दी देता हूँ। चाहते हो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक 2019, इसमें पहला देश है डेनमार्क, पहला देश डेनमार्क है ये। भारत, इसमें भारत का रैंक है 95वां, 95 रैंक है भारत का, और 2017 में 137 रैंक था। मतलब इस बार भारत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कुल देश 129 हैं, कुल देश 129 हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं कि सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक में भारत का रैंक कितना था या कौन सा देश टॉप रैंक पर था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, हर एक एग्जाम में एक या दो नंबर जरूर देखने को मिलेंगे, तो इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम कवर करेंगे 15 और बाकी के 15 कल हम लोग इसी टाइम पर अपलोड करेंगे ये वीडियो, और उसमें बाकी के 15 होंगे, जो कि ये दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन पर लिखा है वैश्विक शांति सूचकांक जो कौन जारी करता है, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें कुल देश 163 हैं, कुल देश 163, और पहला देश इसमें आइसलैंड है, पहला देश आइसलैंड है, और भारत का स्थान है 143वां। इसमें 163 देश में भारत का रैंक 143वां है और 2018 में 137वां था, मतलब और पीछे चला गया है इस बार भारत। दोस्तों, देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है किड्स राइट इंडेक्स, किड्स राइट्स इंडेक्स, इसमें लिखा है ये कौन जारी करता है। तो ये किड्स राइट्स फाउंडेशन नामक एक संस्था है, यही जारी करता है इसको। इसमें कुल 180 देश हैं, पहला देश आइसलैंड का, इसमें भी पहला देश इसमें भी आइसलैंड का है, और भारत का स्थान 117वां है, भारत का स्थान 117वां इसमें है। जो स्वास्थ्य अगले टॉपिक पर लिखा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019, ये जारी करता है जर्मन वाच नामक एक संस्था है, जर्मन वाच नामक एक संस्था है, वही जारी करता है। शीर्ष इसमें पहला देश है आइसलैंड, इसमें भी ये तीनों में आइसलैंड था, पहला देश आइसलैंड है इसमें। भारत का रैंक 14वां रैंक है इसमें, भारत का रैंक 14वां है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या लिखा है। लिखा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी बहुत अच्छा इंडेक्स है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये एग्जामों में, जैसे पूछ लेता है 2018 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसका। अगर इसका आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ पा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पाँचवा नंबर लिखा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019, ये जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस की एक संस्था है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की एक संस्था है, वही जारी करता है ये। इसमें कुल देश 180 हैं, शीर्ष देश नॉर्वे है, मतलब पहला स्थान पर नॉर्वे देश है इसमें, और भारत का स्थान 140वां है, 180 में 140वां भारत का स्थान है, और 2018 में 137 रैंक था इसका, भारत का 2018 में 136 रैंक था भारत का। तो स्वागत है अगले कुछ अगले रिपोर्ट पर लिखा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है,
इसमें पूरा देश 156 है, कुल देश 156 है, और पहला देश इसमें फिनलैंड है, फिनलैंड पहला देश है। भारत का स्थान 140वां है इसमें, और 2018 में इसका भारत का स्थान 133वां था। दोस्तों शेयर अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो ये। सातवें क्वेश्चन पर लिखा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2019, ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है। कुल देश 115 इसमें, पहला देश स्वीडन है, और भारत का स्थान 76वां है इसमें, भारत का स्थान 76, कुल देश इसमें 15 है, 115 है, भारत का स्थान 76 है, और 2018 में भी 78 था। दोस्तों कल एक वीडियो अपलोड हुआ है जो ग्रुप डिस्कशन का वीडियो है, ग्रुप डिस्कशन का जो एयरफोर्स और नेवी में, सॉरी नेवी नहीं, एयरफोर्स में ये इसका एक मतलब भाग होता है, वैकेंसी का एक भाग होता है ग्रुप डिस्कशन। बहुत अच्छे से उसने बताया गया है कि उसमें क्या क्या होता है, आप उसको एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, और आपको जरूर समझ में आएगा कि उसमें कैसे कैसे नियम का पालन किया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रहा, सब कुछ बताया गया उसमें, A to Z बताया गया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों आते हैं आठवें नंबर पर, लिखा है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019, ये जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये जारी करता है। इसमें कुल देश 100 हैं, पहला देश स्वीडन है, इसमें पहला देश स्वीडन, तथा भारत का रैंक 47वां है, भारत का रैंक 47वां। कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा भाई साहब आप लोग, जो एयरफोर्स और एयरफोर्स का एग्जाम इस बार देने वाले या कभी देंगे तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ग्रुप डिस्कशन के लिए सारी बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। भारत का रैंक इसमें 47वां है, इसमें कुल देश 100 है और भारत का रैंक 47वां, मतलब 100 देशों में से भारत 47वां स्थान पर है, पायदान पर है। दोस्तों 9वां नंबर पर आते हैं, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यह भी बहुत अच्छा सूचकांक है, इंपॉर्टेंट भी है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र, वैश्विक बौद्धिक, बौद्धिक लिखा है, बौद्धिक संपदा केंद्र। इसमें कुल देश 50 है, और पहला देश में अमेरिका है, पहला देश अमेरिका, भारत का स्थान 36वां है, और 2018 में भारत का स्थान 44वां था, मतलब इस बार काफ़ी सुधार हुई है इसमें। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र जारी करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप बता दीजिएगा, वहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। दोस्तों एक आपसे क्लेम है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और उस पर कमेंट नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब वीडियो देखते हैं 40 आदमी, 45 आदमी, रोज वीडियो देखते हैं, ये ऐसा वीडियो रोज देखते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पे कमेंट करते ही नहीं और ना ही लाइक करते हैं, तो उसको मतलब लाइक जरूर कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, अगर बुरा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको और सुधारेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का भी जवाब देंगे, आप कीजिएगा। तो दसवें पर लिखा है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। एक मिनट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। कुल देश इसमें 167 कुल देश हैं, कुल देश 167 हैं। इसमें शीर्ष देश है नॉर्वे, नॉर्वे इसमें शीर्ष देश पर आता है, मतलब पहला स्थान नॉर्वे का है, और इसमें भारत का रैंक 141वां है, मात्र 141वां, और 2018 में भारत का रैंक 42वां था। तो आते हैं अगले टॉपिक पर, लिखा है ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक, ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक 2019 ये जारी करता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ये जारी करता है। कुल देश इसमें 60 हैं, मात्र 60 देश हैं, और पहला स्थान पर जो देश है वो उसका नाम है दक्षिण कोरिया, सॉरी ये कोरिया का स्पेलिंग थोड़ा गलती लिखा गया है, दक्षिण कोरिया, और भारत का स्थान 54वां, भारत का स्थान 54वां इसमें। तो दोस्तों आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर, लिखा है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018, सॉरी 2018, जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था, एक नामक है, नामक संस्था एक वही जारी करती है इसको। इसमें पूरा देश 180 है, इसमें कुल देश कितना बच्चा है, 180 है,
और शीर्ष देश इसमें पहला जो स्थान देश का है वो डेनमार्क है, डेनमार्क। और भारत का रैंक 78वां रैंक है इसमें, लेकिन जबकि 2017 में इसका रैंक 81वां था। ये 2018 का एक रिपोर्ट है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, याद रखेगा इसको। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018, ये इंसिट बिजनेस स्कूल नामक एक संस्था है वही जारी करता है इसको। इसमें पूरा देश 119 है, कुल देश 119, और शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है। शीर्ष पहला जो स्थान देश का है वो स्विट्जरलैंड है, और 119 देश में से भारत की रैंक 80वां है, और इसका 2018 में 81वां रैंक था। दोस्तों अभी पूरा देश कोरोना के कारण जूझ रहा है पूरा देश, और लॉकडाउन की स्थिति भी लगी हुई है, और ये लॉकडाउन बढ़ चुकी है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि आपको पर्याप्त टाइम मिला है, और एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी अभी 1 से 1.5 महीना है मेरे हिसाब से। तो आप इसमें जितना पढ़े हैं आप उसको रिवाइज कीजिएगा, और इस टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा। जैसे कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि मैं वेब सीरीज़ देख कर टाइम ख़त्म कर रहा हूँ, टिकटॉक पबजी खेल कर टाइम ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आपका विश्व, ये आपका ज़िंदगी का सवाल है। आप इस बार अगर मेहनत कर लेंगे, 5 महीना 6 महीने अगर मेहनत कर लेंगे, तो आपका आने वाला 50 साल 60 साल सुधर जाएगा, ऊपर से पेंशन अलग। तो बताइए कि ये 6 महीना अच्छा है वो, या वो 50 60 साल अच्छा है, आप सोच सकते हैं। तो इसको, इस टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा, अच्छे से सदुपयोग कीजिएगा इसको। फिर नौकरी लग जाने के बाद तो पबजी टिकटॉक ये सब तो है ही। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले रिपोर्ट पर लिखा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019। इसमें पासपोर्ट जो होता है ना देश का, उसका मतलब बताता है कि इंडिया का पासपोर्ट का पावर कितना है, जापान का पासपोर्ट का पावर कितना है, वही बताता है ये सूचकांक। ये हेनली एंड पार्टनर्स नामक एक संस्था है वही जारी करती है इसको। 1 मिनट, हेनली एंड पार्टनर्स नामक एक संस्था है वही जारी करती है इसको। इसमें कुल देश 190 हैं, पूरा देश 190 देश है इसमें, और पहला देश जापान है इसमें। पहला देश मतलब जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है इस वर्ल्ड का, ठीक है। और भारत का रैंक इसमें 79 है इसमें, जबकि 2018 में इसका रैंक 81 था, 2018 में इसका रैंक 81 था। तो दोस्तों ये था 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स 2019 में, 2019 का। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और एक और बात कि कल जो वीडियो अपलोड हुआ है जीडी का, ग्रुप डिस्कशन का, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक से एक मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ बताई गई है कि आप जीडी में जाकर क्या करेंगे, कैसे होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, सब चीज़ पूरा A to Z टोटली उसमें बताया गया है। आधे घंटा का वीडियो है, आधे घंटा कोई ज़्यादा नहीं होता, आप उसको ज़रूर देखिएगा, और बाकी सारे बच्चों के पास भी इसको शेयर कीजिएगा, और इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो, ये इंडेक्स का पार्ट कैसा लगा, पार्ट 1 कैसा लगा। इसका पार्ट 2 कल अपलोड होगा इसी टाइम पर। तो साथियों आज विदा लेते हैं, अच्छे रहिए, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।